अल्लाह रब्लम ने जेना के करीब भी जाने से मना किया है दो मामला है एक ये कि कोई शख्स जना करे और उससे मना किया जाए कि जेना ना करो और दूसरा मामला है कि किसी को ये कहा जाए कि जेना के करीब भी ना जाओ वला तकरबीना दोनों में बहुत फ़र्क है वला तकरबीना में जैना की तरफ जाने वाले हर एक रास्ते तमाम इसबाब से बचने का हुक्म है कर्न में अल्ला रब्लम ने ज़िना के ताल्लुक से ख़ास तौर से ज़िना की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते और तमाम इसबाब से बचने का हुक्म दिया जना एक बहुत ही बुरा फ़हश अमल है और इस क़दर संगीन अमल है कि इस्लाम में उसकी सज़ा नबी अक्रम सल्ह वसम ने हमें ये बताया अल्ला रब्लमिन ने हमें कुरन में बताया कि जानी की सज़ा सौ कोड़े है बहुत संगीन जुर्म है और संगीन जुर्म क्यों ना हो जबकि इस्लाम का जो नज़ूल हुआ है इस्लाम जो आया है वो इस्लाम पांच अहम मकासद की हिफाजत के लिए आया है उनमें से एक मकसद जिसकी हिफाजत के लिए इस्लाम नाजिल हुआ है वो है नसब की हिफाजत अब जेना जो मामला है जेना से नसब की हिफाजत में खलल वाक़ होता है नक्स वाक़ होता है और सब इस बात को जानते हैं कि अगर एक ही औरत के साथ कई एक लोग जिना करें या कोई मर्द बगैर निकाह के किसी औरत से जिना करता है तो ऐसी सूरत में नसब एक दूसरे से खलत मलत हो जाएगा ऐसी सूरत में वो खौफ से और शर्म से उस बच्चे को ज़ाय भी कर सकता है जैसा कि माशरा में होता है और इसके बहुत सारे मफासद हैं तो ये जो हिफाजत है नस्ल की हिफाजत की जाए नसब की हिफाजत की जाए ये शरीयत के दीन के नज़ुल के मकासद में से एक अहम मकसद है और जेना उस मकसद को ख़त्म करता है लिहाजा अल्लाह रबीन ने नए कि सिर्फ इसे हराम करार दिया बल्कि इसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्तों से दूरी इख्तियार करने का हुक्म दिया इस तमहीद के बाद हम ये जानते हैं कि जब कोई निकाह होता है बहुत सारे अवकात में बहुत सारे निका में ऐसा होता है कि अल्हमदिल्ला के, के फजलो से इतनी मोहब्बत इतनी मददत पैदा हो जाती है कि निकाह जिंदगी भर चलता है शादी जिंदगी भर बाकी रहती है यह अल्लाह का खास फजलो करम होता है कभी ऐसा होता है कि आपस में कुछ नाराजगी कुछ बातें ऊंची नीची हो जाती हैं जिसकी वजह से दरारें पड़ती हैं लेकिन मामला तलाक तक नहीं पहुँचते और कभी ऐसा होता है कि मामला इतना संगीन और तूल पकड़ जाता है कि मामला तलाक तक पहुंच जाता है तलाक इस्लाम में एक मसले से परेशानी से हल का एक रास्ता है और तलाक का एक कायदा है एक जबता है कि पहले एक तलाक दे फिर उसके बाद उसे छोड़ दे फिर दूसरी बार में दूसरी तलाक दे फिर फिर छोड़ दे फिर तीसरी बार में तीसरी तलाक दे ये शरी तलाक है अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो गया है कि तीन तलाकें उसको शर्य तौर पे जो तीन शुमार की जाती है अगर ऐसी तलाक वाकई हो गई किसी औरत को तो फिर इसे तलाक बायन कहते हैं यानी ऐसी तलाक जिसके जरिए अब औरत अपने शोहर से अलग हो गई निकाह का रिश्ता खत्म हो गया ऐसी तलाक बायन के बाद जो कायदा है और शरी कानून है वो ये कि औरत अब अपने पहले शोहर के लिए यानी जिसके निकाह में वो अब तक थी उसके लिए हराम हो जाती है अगर औरत चाहे और मर्द चाहे कि दोनों फिर से निकाह में आए तो ऐसी सूरत में शरीयत ने एक खास वक्त में या एक खास तरीके के बाद इजाजत दी है कि वो आ सकते हैं वो तरीका क्या है क़ुरान ने उस तरीक़े को बयान किया कहा कि फ़इन लहू मिन हत्ता अगर तीसरी तलाक दे दी तो अब तीसरी तलाक के बाद दोबारा शोहर और बीवी नहीं बन सकते हैं। फला ये कायदा है ये कानून है कि अब दोबारा हलाल नहीं हो सकती वो औरत कहा हाँ एक सूरत बाकी है। वो कौन सी सूरत है की उसके अलावा किसी और से शादी करे और वो उसका शोहर बने यहां ये समझने की बात है कि ये जो निकाह है यहां पर इससे मुराद निकाह है है यानी वो निकाह जिसको शरीयत ने निकाह बताया है कि औरत अपनी मर्जी से निकाह करे मर्द अपनी मर्जी से निकाह करे दोनों एक दूसरे में रगबत रखते हों और निकाह के मैंने पहले मकाशिद बयान किए इससे पहले कई एक मकाशिद बयान किए हैं उनमें से मतलब औलाद पैदा करना नस्ल बनाना और निकाह बाकी रखना यानी उसको बीवी के तौर पे कबूल करना या उसको शोहर के तौर पे कबूल करे इसको कहते हैं निकाह अगर ऐसा निकाह हुआ अपनी मर्जी से औरत ने निकाह किया रगबत रखते हुए निकाह किया मर्द का भी वही मामला है रगबत रखते हुए निकाह किया फिर उसके बाद अल्लाह की मर्जी से ऐसा हुआ यानी अल्लाह आलमीन ने लिखा हुआ था उनके मुकद्दर में तो उन्होंने आपस में कोई नाचाकी हुई इख्तलाफ हुआ मामला तूल पकड़ा और दूसरे मर्ज से भी उस औरत को तलाक हो गई और लफ्ज है तलाक हो गई तो ऐसी सूरत में अब औरत के लिए जायज है कि पहले शोहर की तरफ लौटे और पहले शोहर से निकाह करे यानी आप इस प्रोसेस को समझे कि औरत अपनी मर्जी से रगबत रखते हुए मर्द से शादी करे और मर्द अपनी मर्जी से रगबत रखते हुए शादी करे और निकाह का जो अहम मकसद है वो ये कि उससे औलाद वो चाहे निकाह का मकसद एक ये है कि वो रिश्ता बरकरार रहे तो अगर ऐसा मामला है और फिर शादी की और फिर कोई सबब पेश आ गया कोई ऐसा मामला पेश आ गया कि तलाक हुई तब जा करके औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएगी और अगर चाहे तो शादी कर सकते हैं ये है इस्लामी तरीका उस औरत के लिए जिस औरत को तीन तलाक वाकई हो गई हो और फिर वो औरत पहले शोहर के निकाह में जाना चाहती हो पुराने जमाने से आज भी वो तरीका रायज है बाज लोगों के नजदीक ऐसा मामला होता है कि अगर किसी औरत को तीन तलाक हो गई तो किसी को बुला करके लाते हैं और तौर पर ये जो अपने आप को इस्लामी मुसलमानों की शक्ल में जाहिर करते हैं दाढ़ी टोपी रख के होते हैं वो लोग आते हैं और हलाला के नाम पे एक गैर शर्य अमल करते हैं बल्कि अगर उनके पास कोई फतवा पूछने के लिए भी जाता है तो आवाम के लिए उनके पास एक अलग फतवा होता है उन्हें कहते हैं कि अब तो हलाला करवाना पड़ेगा और अगर उनके अपने घर का मसला होता है तो फिर वो दौड़े दौड़े किसी और के पास आते हैं जो उन्हें कुरान हदीस से फतवा देते हैं कि नहीं ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए ये जो सूरत है हलाला जो कि आज हमारे माशरे में एक खतरनाक जख्म की सूरत अख्तियार कर गया है एक खतरनाक जख्म कह लीजिए उसे क्योंकि तकलीफदा अमर है मुसलमान औरतों की इज्जत से खेलना है एक तरीके से हलाला क्या है हलाला तलाक की नीयत से निकाह करना है तलाक की नीयत से निकाह करना वक्ती तौर पर निकाह करना और साथ ये नीयत रखना कि इस औरत को इसके पहले शोहर के लिए हलाल किया जाए यकीन ये जो तरीका है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, जमानेताला का, का तरीका है कि नीयत करके एक रात रह लें और उसके बाद फिर उसको पहले शोहर की तरफ लौटा दे ये तरीका गैर इस्लामी है गैर शरी है इस्लाम ने इससे मना किया है बल्कि सख् जुमला इस्तेमाल किया नबी वसल्लम का फरमान मुलाजा करें अकबा इब्न आमिर रजील् फरमाते हैं कि रसूल वसल्लम ने "अला उखबिरुकुम तैसी मुस्तार। क्या मैं तुम्हें किराए के सान के बारे में न बता दूँ खबर ना दे दूँ साहबा ने अर्ज़ किया भला या रसूल क्यों नहीं आया अल्लाह के रसूल सल अल्लाह वसलम ज़रूर बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुल मुहल्लिल ये वो शख्स है जो निकाह हलाला करता है जो हलाला करता है और फिर आगे फरमाया कि लअन अल्लाहु अल मुहल्लिल वल मुहल्लल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर दोनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो अब आप तसव्वुर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को किराए के सांड से सशबी दियो नबी अक्रम सला ने जिस शख्स पर लानत भेजी हो नबी अक्रम सल्ला ने जिस शख्स के बारे में यह कहा हो कि उस पर अल्लाह की लानत हो ये बद की हो उस अमल को बाज लोग शरी बताते हैं ये कैसे मुमकिन है एक अमल मलून है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत पड़ रही है उस पर और फिर बाज लोग कहते हैं कि नहीं ये इस्लामी हुक्म है और आपने देखा माजी करीब में हमारे साथ क्या हुआ इसी को बुनियाद बना करके हमारे इस्लामी दखल अंदाजी की गई चुनानचे हलाल की वजह से बहुत सारी औरतों ने मुकदमा दायर किया गैर शरीन अमर है यह गैर शरी मामला है हत्ता के अकलमंद शख्स भी इसे कबूल नहीं करेगा अगर वो शरीयत नहीं भी जानता है तब भी इस मामले को कबूल नहीं करेगा कौन ये चाहेगा कि उसकी बीवी एक रात के लिए किसी और के साथ रहे ये अकल से दूर बात है चे जाए कि यह शरीयत की बात हो और शरीयत कभी भी अकल के मुखालिफ नहीं है शरीयत अकल के मुआफ है बसा औकात हमारी अकल छोटी पड़ जाती है शरीयत का मामला उससे ऊंचा होता है तो हलाला का जो मामला है हलाला कभी भी शरीय अमल नहीं हो सकता और ये गैर अकली अमल तो है ही चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत की है बसा औकात ये सुनने में आता है बाज हजरात ये कहते हैं कि अगर बगैर बताए किसी ने इस नीयत से कि चलो किसी का भला हो जाएगा इस नीयत से अगर किसी ऐसी औरत से शादी कर ली उसको बताए बगैर न उसको बताया न उसके शौहर को बताया बस उसके दिल में ये बात है कि चलो किसी का भला हो जाएगा उसने शादी कर ली अपना न को मालूम है कि यह हलाला कर रहा है ना उस औरत को मालूम है कि यह हलाला कर रहा है लेकिन जो कर रहा है वो जानता है तो बाज लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त है बाज लोग ऐसा कुछ इश्काल है, ऐसा निकालते हैं आइए इसका जवाब हम देखते हैं कि साहब कराम ने इसके ताल्लुक से क्या फरमाया है क्या जवाब दिया एक शख्स ने अब्दुल्लामर रजमा से सवाल किया कहा कि इन न खाली का मेरे मामू ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। बास रिवायत में है कि फारा का इम्र यानी आखिरी तलाक दी है ऐसी तलाक कि जिसके बाद बैनूना यानी जुदाई वाकई हो जाती है कहा कि फदखल अमिनजाल का हम अब इसके बाद वो परेशान है फिक्र में मुबतला है टेंशन में है वह अमर उन शक का आलई और इस मामले की वजह से उन्हें दुश्वारी लग रही है दुश्वारी में मुबतला हो गए परेशान हो रहे तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उस औरत से निकाह कर लू शादी कर लू वलम या ताल्लुक से कुछ नहीं जानते हैं लेकिन मेरा इरादा है कि मैं निकाह कर लू और बाज रिवायत में है ताकि मैं निकाह करके फिर तलाक दे दूं और उनके लिए हलाल कर दूं यानी दिल में नीयत थी कि मैं निकाह करके उनके लिए हलाल कर दूं निकाह करके फिर तलाक दे दूंगा अलबत् जोजैन में से कोई भी नहीं जानता इस मामले को कि वो इस मकसद से निकाह कर रहा है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अनुमा ने कहा ला इल्ला अन तनकह निकाह रगबा कि ऐसा जायज नहीं है हाँ जब तुम रगबत के साथ निकाह करना चाहो यानी तुम्हारी रगबत हो कि तुम उसके साथ निकाह करो उसके साथ रहो जिंदगी गुजारो तुम अगर ऐसा निकाह करना चाहते हो तब तो ठीक है और अगर ये मकसद नहीं है मकसद सिर्फ हलाल करना है तो ऐसा निकाह जायज नहीं है कहा के इन वाफ़कत का अम अगर तुम्हारे मुआफिक हुई हम मिजाज हुई मामला ठीक ठाक रहा तो तुम उसे अपने निकाह में बाकी रखे रहोगे वह इन रिहत फारक्त और अगर तुम्हारी बन नहीं पाई आपस में जोड़ी नहीं जमी तो पिट्टी का अगर ऐसा मसाला हुआ दुश्वारी हो रही है साथ नहीं रह पा रहे तो छोड़ दो कोई मसाला नहीं है लेकिन निकाह जो होना चाहिए वो साथ रहने की रगबत और एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की रगबत के साथ होनी चाहिए फिर आगे फरमाया कि फ़इन्ना कुन्ना फी जमान रसूल वसल्लम सिफाहा क्योंकि हम नबी अलैहि वसल्लम के जमाने में इस अमर को इस मामले को जिना शुमार करते थे मतलब ये के अगर ऐसा मामला हो कि दूसरा नहीं जान रहा है सिर्फ करने वाला जान रहा है किराए पर उठा करके नहीं लाया है पहले से मामला तय करके नहीं हलाल हो रहा है बस किसी ने शादी की अपनी मर्जी से दुनिया वालों को यह लगा कि वो शादी इसलिए कर रहा है कि वो उसके साथ रहना चाहता है लेकिन शादी करने वाला ये जान रहा है और उसके दिल में यह बात है कि वो पहले वाले के लिए हल करेगा तब भी ये मामला और ये निकाह जिना में शामिल होगा और जब तक वो उसके साथ रहेगा या अगर एक रात भी साथ रहा तो उसने उसके साथ जिना किया ये सहाबिया रसूल वसल्लम का फतवा है अल रजील्ल्ला अब्दुलमलिकब्नम बयान फरमाते हैं इब्न उमर रजीलुमा से सवाल किया गया कि कोई शख्स किसी मर्द के लिए किसी शख्स के लिए उसकी औरत को हलाल करता है यानी हलाला करता है इसका क्या हुक्म है फरमाया के जालिक सिफ़ा यही जिना है इसी को जिना कहते हैं लव अदरा ककुम उमर लसा की लकुम अगर उमर रजील ने तुम्हें ऐसा करते पा लिया होता तो मार मार कर तुम्हें गुम कर दिया होता तुम्हें हिलाक कर दिया होता सहाब कराम के नज़दीक ये जो हलाला की राइज सूरत है जिसे बाज लोग कहते हैं कि ये शर् है जबकि ये एक गैर शर्य अमर है इसे सहाबे ने जेना में शामिल किया है वो तमाम हजरा जो नबी अक्रम सल्ह पर ईमान रखते हैं जो सहाबा के रास्ते पर चलना चाहते हैं जो ये जानते हैं कि हमारा दीन जेना की इजाजत नहीं देता जो ये जानते हैं कि निका एक बासद शह है और निका बाबा तौर पर नस्ल के लिए होता है निकाह हमेशा बरकरार रखने के लिए होता है वो कभी भी ऐसे मामले को निकाह तस्वूर नहीं कर सकते और ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और उसके बावजूद इतने धड़ल्ले से इस कदर आसानी के साथ ये फतवा देते रहते हैं बल्कि खुद ये अमल करते हैं बाज़ लोगों के यहाँ एक सेंटर होता है जिन्हें वो लोग हलाला सेंटर का नाम देते हैं और वहां बाजाबता तौर पर यही अमल होता है कुछ लोग इस काम के लिए रखे जाते हैं आप तस्वर करें कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को देखा होता तो क्या इन लोगों को कोड़े नहीं पड़ते क्या ऐसा मामला कभी भी इस्लाम में हुआ है क्या सहाब कराम रजी अल्लाह अजमायन के जमाने में कभी ऐसा मामला हुआ है कि हलला सेंटर ओपन हुआ है क्या किसी सहाबी ने हलला किया है उस जमाने में भी तीन तलाकें तो होती थी और जैसा कि वाक आपके सामने बयान किया गया कि ऐसा भी होता था कि लोगों को तीन तलाक के बाद अफसोस हुआ करता था उसके बावजूद आप ये देखें कि किस तरह से सहाबा कराम ने इस मामले में सख्ती इख्तियार की और इसे जिना की किस्म में से शुमार किया लिहाजा अपनी औरतों की अपने घर की खातन की इज्जत की हिफाजत करें दीन किसी शख्स का बनाया हुआ नहीं है कि आप तकलीद के नाम पर जो चाहे वो करें या तकलीद के नाम पर अवाम को जो चाहे वो दें दीन किसी शख्स का बनाया हुआ नहीं है दीन अल्लाह रब्बीन का बनाया हुआ है दीन को नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम ने हमें समझाया है और साहब कराम रिजवान अजमाइन ने उस पर अमल करके और उसको और डिटेल में करके हमें बताया है कि दीन क्या है दीन न किसी शख्स की जाति राय है नहीं किसी मसलक की जाती राय है दीन कुरान और हदीस और सहाब कराम की समझ है अगर कोई अमल आप इन तीन में से किसी एक में पाते हैं हदीस में सही सनत से साबित है सहाब कराम से साबित है आप वो अमल करें लेकिन वो अमल जो साबित नहीं है आप उस अमल से इज्तनाब करें दूसरी नसीहत कि इज्जत की हफाजत शरीय के मकासद में से एक मकसद है और हलाला का मामला पहले तो यह कि इस्लाम ने इसे हराम करार दिया यह निकाह है दूसरा यह कि कम अज कम यह वाज है कि हलाला एक मशकूक अमर है एक शक वाला मामला है और जब यकीन और शक का मामला आ जाए जब मामला आ जाए कि यह मशकूक अमर है और मशकूक एक हराम चीज से मुतालिक है यानी अगर आप इसको करते हैं तो मुमकिन है कि आप हराम में दाखिल हो जाए इसी से बचना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हलालु उबैन और हराम उबैन हलाल भी वाज़े और हराम भी वाजहे वबई वा नहुमा उमूर उ इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा उमूर है मशकूक अमर है और मशकूक अमर से बचना है खास तौर से जब इज्जत की बात हो और इज्जत की हिफाजत की बात हो तो वहां मशकूक अमर से भी बचना है दूसरे मामला में शरीयत ने दो गवाहन तलब किए हैं जबकि जहां इज्जत की बात आई जेना का मसाला आया इज्जत की बात आई तो शरीयत ने चार आंखों देखा गवाह तलब किया और चारों मर्द होने चाहिए इज्जत इस्लाम में बड़ी अहम शह है और इस्लाम इज्जत की हिफाजत के लिए आया है तो मेरे भाइयों अपने घर में इस तालीम को आम करें अपने साथियों और अपने अहबाब के साथ इस तालीम को आम करें कि शरीयत ने कभी भी हलाला की इजाज़त नहीं दी है हलाला हराम है ये जो राइज है वो हराम है हम इन मौजू पर मुसलसल आपके सामने नई नई गुफ्तगू लाते रहेंगे नई नई चीज़ें आपके सामने बयान करते रहेंगे वो चीज़ें जो शरीयत से साबित है दलाइल के साथ बयान करेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें सुनते रहें हम अगली किस्त में अल्लाह चंद नई चीज़ों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे वालेक वरम ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें